नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन नाइन न्यूज। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 230 सीटों में से 113 से 137 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं, जबकि 82 से 112 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। वहीं 2 से 8 सीटें अन्य को हासिल हो सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर वोट डाला। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश के विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में अन्य तरह की बातें कर रहे हैं। आपको इस सब से अपना ध्यान भटकने नहीं देना। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। मतदान के बाद अब मतगणना को लेकर भी पीसीसी चीफ कमलनाथ अलर्ट हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ 2 दिसंबर को भोपाल जाएंगे। वो भोपाल में 2 दिसंबर की रात को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि 3 दिसंबर की सुबह कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाएंगे, जहां वो दिन भर प्रदेश भर से आने वाले चुनाव परिणामों और नतीजों की समीक्षा करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के कानूनी विशेषज्ञ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक्सपर्ट भी यहां पर मौजूद रहेंगे और रिजल्ट वाले दिन देखा जाएगा कि सभी अलर्ट मोड पे होंगे। देखा जाए एग्जिट पोल में जिस तरीके की खबरें आई हैं, जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, तो यहां पर कांग्रेस खुश दिखाई दे रही है और इसी खुशी को वो 3 दिसंबर को भी मनाना चाहती है और कह रही है कि जनता यहां पर उनकी सरकार को मोहर लगाएगी। तो देखना होगा 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर खुशी कमलनाथ की बरकरार रहती है या फिर यहाँ कमल खिलता हुआ नजर आता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।